सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। शहर में वाहन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि महंगे से महंगे वाहन लोग सड़कों पर खड़े करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन, नगर परिषद, भाजपा और कांग्रेस सभी सोलन की जनता को पिछले कई वर्षों से शहर में पार्किंग जल्द बनेगी ये आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये बात सुनते सुनते अब लोग भी पूरी तरह से उब चुके हैं। सड़कों पर वाहन पार्क करने का भी वह लगातार काफी समय से दंड भी चलान के रूप में भुगत रहे हैं। उन्हें इस समस्या से कब निजात मिलेगी इसका वह अनुमान तक नहीं लगा पा रहे हैं। आपको बता दें कि बाईपास पर रेलवे स्टेशन के समीप सैनिक रेस्ट हाउस पर और पुराने बस स्टैंड से बहुमंजिला पार्किंग प्रस्तावित है, जिसके लिए जो औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। इसमें शहर के सैकड़ों वाहन पार्क हो सकेंगे और नगर परिषद की आय भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्किंग के प्रस्तावों से जुड़ी फाइलें अन्य फाइलों के नीचे दबी हुई हैं, जहां तक जिला प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पा रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने वाहनों को कहां खड़ा करें। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दल उन्हें पार्किंग देने का वायदा तो हर चुनावों में करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि या तो उन्हें बताएं कि वह अपने वाहन कहां खड़े करें या फिर वह गाड़ियों को ही ना खरीदें। उन्होंने कहा कि बाजार जाना हो तो उन्हें अपने वाहन 2 किलोमीटर दूर खड़ा करके जाना पड़ता है। ऊपर से वाहन के चलान का डर भी उन्हें सताता रहता है। उन्होंने एक बार फिर से ये मांग जिला प्रशासन से उठाई है कि उन्हें जल्द से जल्द पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कि सोलन में पार्किंग की समस्या बहुत हो गई है, ट्रैफिक जाम आए दिन रहता है और आप कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए गाड़ी लगाते हैं तो पुलिस 2 मिनट के अंदर आके वो चलान करके चली जाती है। या तो हमें ये गवर्नमेंट बताए कि कहाँ पे हम गाड़ियाँ पार्क करें या हम गाड़ियाँ ना रखें। गाड़ियों के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी कोई भी सरकार आती है, उनके बड़े बड़े दावे होते हैं कि यहाँ पे हम पार्किंग के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं होता। सोलन में आजकल सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। कहीं भी देखोगे आप शहर में पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, और जो है वो ज़्यादा प्राइवेट है जिसमें आपको पता है रेट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको मार्केट में जाना तो गाड़ी कहाँ लगा के जाएंगे। मैं खुद अपनी गाड़ी 2 किलोमीटर दूर जाके खड़ी करता हूँ और कभी इमरजेंसी हो तो मैं नहीं निकाल पाता हूँ, तो इसका जरूर प्रशासन यूज करना चाहिए। सोलन में करीब 45,000 छोटे बड़े वाहन हैं, जिसके अलावा यहाँ से आने जाने वाले बाहरी वाहन भी हैं। इतनी भारी तादाद में वाहन होने के बावजूद शहर में 5,000 वाहनों को पार्क करने की भी जगह नहीं है। ऐसे में अगर शहरवासी सड़क के किनारे वाहन पार्क नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। इसीलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि शहरवासियों को पार्किंग का स्थल जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं, ताकि लोगों को हो रही असुविधाओं से छुटकारा मिल सके।